प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को देख रहे हैं। इसमें हम लोग टेंस चेंज करना सीख लिए हैं, ठीक है। प्रोनाउन चेंज करना सीखे, एडजेक्टिव एडवर्ब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, टाइम को कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ सीखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। जो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, उसके ब्रैकेट के अंदर, कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अभी तक देख रहे थे कि स्टेटमेंट था, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन दो तरह के होंगे उसके अंदर, या तो वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा या यस नो क्वेश्चन होगा, राइट, यही होता है ना। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग समझेंगे, यस नो क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे ये समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, सेड टू जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना, सेड टू या सेड, ये जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, क्वेश्चन में, इन सब में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। कुछ पूछेगा तो आस्क, ठीक है, या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो इन सब में से किसी एक में चेंज करेंगे, ओके। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। द क्वेश्चन इज, मोहन सेड टू मनीष, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये है हमारा क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इसमें हम लोगों का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट था तो हम लोग टू वर्ड यूज करते थे, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं है, ये है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग आस्क लिखेंगे, इंक्वायर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क होना चाहिए, तो यहाँ पे टू वर्ड नहीं होगा, आस्क लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मोहन आस्क मनीष, ठीक है, मोहन आस्क मनीष, यहां तक हो गया। सेड टू है, इसको हम चेंज कर दिया आस्क में, ओके। अब क्या करेंगे, अब ये वर्ड है डब्ल्यू एच वर्ड जो है, यहाँ पे क्या है, ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है, इसको हम लोग कंजक्शन बनाएंगे। कहने का मतलब है ये वर्ड है तो हम लोग डायरेक्ट अब डैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। डैट लगता था ना, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग डैट का यूज करते थे ना, अब डैट का यूज नहीं करेंगे, ओके। अब हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे वर्ड, क्यों डैट का यूज नहीं करेंगे, वहां पे क्या होता था, पहले क्या होता था, डैट का यूज करके हम लोग कंजक्शन बनाते थे। कंजक्शन का यूज करते हैं ना दो पार्ट को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए वहां पे डैट का यूज करते थे। यहाँ पे ये वाट जो है ना, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा, वाट, मैन, वाई, विच, वही जो है डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन का काम कर जाता है, इसीलिए हम लोग डैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाट लिखेंगे, ठीक है, वाट। अब यहां देखिए, आर यू वर्किंग ऑन, इंट्रोगेटिव है ना, किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसका हम लोग टेंस जो चेंज करते हैं वो तो होगा ही। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, यानी बार बार होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इसको स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे, ये कंजंक्शन बन गया। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, अब वो स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, तो यहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन, स्टेटमेंट इसका यही होगा ना, अफर्मेटिव स्टेटमेंट इसका क्या होगा, यू आर वर्किंग ऑन। अब उसको चेंज करेंगे पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या होगा, यू वर वर्किंग ऑन हो जाएगा, यू वर वर्किंग ऑन, फुल स्टॉप। तो क्या समझे, क्या बना, मोहन आस्क मनीष व्हाट यू वर वर्किंग ऑन। अब यहाँ पे ये व्हाट जो है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, वहां डैट कंजंक्शन का काम करता था, इसीलिए यहाँ पे ये व्हाट कंजंक्शन का काम कर दे रहा है, इसलिए हम लोग डैट का यूज नहीं करते हैं, ओके।
अब जो भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जो भी इसको आप छोड़ दिए या वाट को हटा दिए, कंजंक्शन बन गया, अब जो भी बच गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ही बच गया उसको हम लोग अब स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे, स्टेटमेंट की तरह उसका टेंस तो चेंज करेंगे, चेंज करके ही लिखेंगे, ठीक है। आर यू वर्किंग ऑन, हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यू वर वर्किंग ऑन, ठीक है, यू वर वर्किंग ऑन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं, एक है अगला, मेजर सिंह सेड टू द सोल्जर वेयर डज योर फैमिली लिव, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ना, चलिए बनाते हैं। मेजर सिंह आस्क क्वेश्चन कुछ भी लगा सकते हैं, आस्क किससे, द सोल्जर, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा तो बन जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग क्या लगाते थे, डैट लगा देते थे, यहां तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां पे ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है वेयर, यही हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, डैट का काम करेगा, यहां पे लिखेंगे वेयर, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, डज योर फैमिली लिव, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में तो चेंज करेंगे, लेकिन कैसे, इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे, नहीं, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बनाकर चेंज करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अफर्मेटिव बनाएंगे, इसको इतना जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे। अब देखिए अफर्मेटिव बनेगा तो क्या होगा, योर फैमिली लीव, डज योर फैमिली लीव, ठीक है, इसका क्या होगा, डिड, ठीक है, यहाँ डिड होता है, लेकिन अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें तो डिड लगता नहीं है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ड का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, योर फैमिली है ना, तो योर फैमिली को क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन है, योर सेकेंड पर्सन है ना, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, सोल्जर, सोल्जर के जगह पे क्या लिखेंगे, हिज फैमिली, ठीक है, क्या लिखेंगे, हिज फैमिली, तो यहां पे हो जाएगा हिज फैमिली, वेयर हिज फैमिली, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो हो गया, अब क्या होता है, वर्ब का असर, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो लिख दिए, अब क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो क्या होगा, लिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिव, अब फुल स्टॉप देंगे, तो क्या बना सेंटेंस बताइए, मेजर सिंह आस्क्ड द सोल्जर वेयर हिज फैमिली लिव्ड, ठीक है, वेयर हिज फैमिली लिव्ड, गॉट इट, फिर से बताते हैं, मेजर सिंह आस्क्ड द सोल्जर, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग क्या लगाते थे, डैट लगाते थे, यहाँ पे डैट का काम कौन करेगा, यहाँ कंजंक्शन का काम कौन करेगा, डैट भी कंजंक्शन था, तो ये कंजंक्शन का काम कौन करेगा, यहाँ पे वेयर करेगा, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो करेगा कंजंक्शन का काम, ठीक है, तो यहाँ पे वेयर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जो बच गया डज योर फैमिली लिव, ये कौन सा टेंस है उसके हिसाब से हम लोग टेंस चेंज करेंगे, यहाँ पे योर है तो प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है ना, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मेजर सिंह सेड टू सोल्जर, तो यहाँ सोल्जर ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके जगह पे आ जाएगा हिज फैमिली, योर फैमिली की जगह क्या हो जाएगा, हिज फैमिली, और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो हम लोग देख चुके कि डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वही कंजंक्शन बन जाता है, और क्या होता है, उसके बाद जो भी बन जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है, इफ या वेदर लगाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इफ या वेदर का यूज करेंगे, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट टू क्या हो जाएगा, इफ या वेदर का काम करेगा, तो चलिए बनाते हैं। द टीचर सेड
हैव यू डन योर होमवर्क। अब ये बताइए ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है या यस नो क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हम लोग डैड के जगह पे डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज कर लेते थे, यस नो क्वेश्चन में क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन में हम लोग डैड भी यूज करते हैं कंजंक्शन की तरह, यहाँ इफ या वेदर का यूज करेंगे, यहाँ क्या चीज का यूज करेंगे, इफ या वेदर, ठीक है, वेदर का यूज करेंगे, गॉट इट। जहां डैड आता था वहां इज या इफ या वेदर का यूज करेंगे, और जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है उसको हम लोग अफर्मेटिव में बनाएंगे, टेंस जैसा होगा उसके हिसाब से चेंज करेंगे, ओके। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, द टीचर सेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, कोई भी, ठीक है। जैसे देखिए द टीचर टोल्ड, यहाँ पे मान लिए अस, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, यहाँ मानना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, ठीक है, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, इफ यूज कर लिए, ठीक है, इफ, देखिए इफ या वेदर में से कोई एक यूज करेंगे, हम लोग इफ यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू डन योर होमवर्क, अब ये टेंस पहचान लिया कौन सा है, ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी हैड लगाएंगे, राइट, और ये इंट्रोगेटिव को हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, उससे पहले देखिए यहाँ यू जो है इसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हम लोग अपना ऑब्जेक्ट मान चुके हैं, अस, यानी अस किसके लिए होता है, वी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ वी हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। अब यहाँ है टर्न है तो इसको हम लोग है टर्न लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे है डन, ठीक है। अब यहाँ पे योर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आवर हो जाएगा, आवर होमवर्क, आवर होमवर्क, ओके, फुल स्टॉप। तो क्या बना सेंटेंस, सेंटेंस बना द टीचर टोल्ड अस इफ वी हैड डन आवर होमवर्क, ओके, या द टीचर टोल्ड अस वेदर, इफ की जगह वेदर लगा सकते हैं, वेदर वी हैव डन आवर होमवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव को चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में अगर डब्ल्यू एच वर्ड रहा तो इसमें हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड में डैट के जगह वो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है उसी को यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, टेंस को बदलते हुए, ठीक है, टेंस भी बदलेंगे और अफर्मेटिव में भी चेंज करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, यस नो में हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे टेंस को बदलते हुए, गॉट इट। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हम लोग रिपोर्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस वाले जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होगा, कमांड रिक्वेस्ट, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिव वर्ब, जो भी रिपोर्टिव वर्ब है, यानी कि सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो उसको हम लोग टोल्ड में, वार्न में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में चेंज करेंगे। अगर लगेगा कि सेंटेंस के हिसाब से कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, अगर लगेगा कि सेंटेंस जो है एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लिखेंगे, सेंटेंस में लगेगा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ये सब सेड टू के बदले में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा में जो भी होगा उसके पहले इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले डैट लगाते थे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में चेंज करने के लिए अगर स्टेटमेंट होता था अंदर में, तो
अगर अंदर में क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाते थे, या इफ यस में होगा यस में क्वेश्चन तो इफ लगाते थे या वेदर लगाते थे। वैसे ही हम लोग अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ठीक है इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग टू या नॉट टू लगाएंगे। ओके, कोई भी स्टेटमेंट कुछ कहने के लिए होगा, करने के लिए होगा तो टू लगाएंगे, अगर मना कर रहा होगा तो नॉट टू लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या है यहाँ पे, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर दिया जा रहा है ना। यहाँ पे सेड टू को हम लोग क्या चीज पे चेंज कर देंगे, ऑर्डर में। रिक्वेस्टेड होगा तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, एडवाइस होगा तो एडवाइस में चेंज कर देंगे। ओके चलिए बनाते हैं, यहाँ क्या होगा ही, अब यहाँ पे सेड टू की जगह पे ऑर्डर लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। He ordered me. Okay. अब ये inverted comma है, inverted comma के जगह पे क्या लिखेंगे, inverted comma के जगह पे टू लगाएंगे, टू। अब क्या लिखेंगे, bring a glass of water. A glass of water. तो क्या बना सकते हैं, He ordered me to bring a glass of वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच इसका। ठीक है चलिए अगला देखिए, He said to me, don't go there, don't go there। ठीक है, यहाँ apostrophe होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये don't go there जहाँ मना किया जा रहा है ना, ऑर्डर किया जा रहा है वहां मत जाओ। ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पे He ordered, He ordered me। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मना किया जा रहा है तो टू लिखेंगे या नॉट टू लिखेंगे, मना किया जाएगा तो नॉट टू लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू। अब गो देयर, गो अब देखिए देयर की जगह हेयर मत कीजिएगा, हेयर जो होता है उसको देयर करते हैं, हेयर को हम लोग देयर में चेंज करते हैं पर उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देयर ही होगा। तो क्या बना सेंटेंस, He ordered me not to go there। ओके चलिए अगला क्या है, राम सेड टू मोहन, प्लीज गिव मी अ पेन। अब क्या है यहाँ, प्लीज किया, प्लीज गिव मी अ पेन का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ सेड टू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मोहन। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमा के उसको तो हम लोग हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या करेंगे बताइए, इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ क्या करेंगे, टू लगाएंगे। ठीक है यहाँ पे तो टू लिख दिए, अब टू, अब क्या प्लीज, प्लीज लगाएंगे, प्लीज के जगह पे ही तो रिक्वेस्टेड लिखे हैं, यहाँ प्लीज से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्टेड से पता चल गया कि अच्छा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जब रिक्वेस्टेड लिखते हैं तो प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। ओके, प्लीज और कैंडी को हटा देते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो गिव, टू गिव। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब, फर्स्ट पर्सन के हिसाब, फर्स्ट पर्सन जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है राम। ठीक है, यहाँ पे राम की जगह पे क्या हो जाएगा, ही, तो ही के जगह पे क्या हो जाएगा, ही। ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, ही के जगह ही, आई यहाँ मी है ना, मी है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट राम है तो राम के हिसाब से यहाँ ही के हिसाब से क्या होगा, ही हो जाएगा। ओके, गिव हिम अ पेन, गॉट इट। तो क्या बना सेंटेंस, राम रिक्वेस्टेड मोहन टू गिव हिम अ पेन। ओके तो ये था कंप्लीट, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। एक इंपरेटिव सेंटेंस और छूटा हुआ है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आई होप आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला भी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।